महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी हर समस्या के समाधान के लिए सब्सक्राइब करें हेल्पिंग आई टीवी को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे बनाए हुए लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग आई टीवी। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान शिशु का जन्म की प्रक्रिया दर्द से ही शुरू होती है। हर माँ को इस दौर से गुजरना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान कई बार बीच बीच में या आखिरी महीने में पेट में दर्द उठता रहता है, जिससे गर्भवती माँ यह नहीं समझ पाती है कि यह होने वाला दर्द नॉर्मल है या डिलीवरी का दर्द है, और वह परेशान हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपको नॉर्मल या डिलीवरी के दर्द की कुछ पहचान बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डिलीवरी के दर्द की पहचान। डिलीवरी का दर्द एकदम से तेज नहीं होता है। यह पहले हल्का सा होगा, फिर एक पल में ही ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद फिर से उठना शुरू होगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। हमारे यहाँ प्रसव दर्द को पीर उठना या लेबर पेन कहा जाता है। धीरे धीरे यह उठने वाला दर्द थोड़ी थोड़ी लंबा सा खिंचने लगता है। जब यह दर्द शुरू हो जाता है, तब आप पेट में बच्चे को एक जगह सिमटा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि अब शिशु जन्म का समय आ चुका होता है और बच्चा सिमट कर नीचे की ओर आ जाता है। नॉर्मल दर्द की पहचान। नॉर्मल दर्द में आपको पेट में ऐठन या दर्द महसूस होगा, लेकिन इस तरह का दर्द नहीं होगा कि थोड़ा लंबा उठे और ख़त्म हो जाए और फिर उठे और फिर ख़त्म हो जाए, यानी यही प्रक्रिया चलती रहे। यदि ऐसा होता भी है तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही प्रेगनेंसी और बच्चों से रिलेटेड हर समस्या के समाधान के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।